गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन ओप्स, दैट इज एरे. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, दैट इज अ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स एंड विच आर रेफरेंस बाय अ कॉमन नेम. एंड इन सी प्लस प्लस एरे कंसिस्ट ऑफ अ कंटीगियस मेमरी लोकेशन. द लोएस्ट एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाइएस्ट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लास्ट एलिमेंट. So the array is declared is in this type. For example, A, B, C, D, and here is a. It is always started with a 0, 1, 2, 3, and so on, n minus 1. So these are stored in the contiguous memory location. These are the contiguous memory location. Contiguous memory location, it deals with एक के बाद एक हमारी जो memory location है वो हमारी store होती जाए, उसको हम बोलते हैं contiguous memory location. अब array हम why we are using the array. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली हमारे पास अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सपोज हमारे पास था a इज इक्वल टू 5. अगर और अब हमने a में और वैल्यू स्टोर करवानी है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 8. सो ये दो वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम जब भी इंटीजर a में सबसे पहले हमने 5 वैल्यू स्टोर करवाई है, जब हम इंटीजर a में 8 वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, देन द 5 विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड एंड द न्यू वैल्यू इज इवेल्युएटेड इन दिस. सो हमें जब ये ऐसी चीज, अगर हम छोटा कोई भी डेटा ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें तो ये चल जाती है, लेकिन जब हम कोई भी बड़ी सीरीज को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये, जब हमें ज्यादा डेटा चाहिए और हमें पिछला डेटा भी सेव्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, एरे. सो इसमें क्या है, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ मोर डेटा देन वी आर चूजिंग द एरे. अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास दैट इज अ 30 और वी वॉन्ट टू स्टोर देयर मैथ्स रिजल्ट. अगर हम उनका मैथ का नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर एरे से पहले हमें क्या n1 मतलब एक स्टूडेंट का डेटा, 2 का, n3 एंड अप टू n30 तक एक एक का डेटा हमें मतलब उसमें स्टोर करवाना, और फिर उसके बाद उसके मैथ्स के हमें एवरेज निकालना, उसका सम निकालना, तो एक एक को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक एक वेरिएबल को n1 को, n2 को, n3 को एंड n30 तक उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच इज वेरी लॉन्ग एंड कंज्यूम लेंथी प्रोसेस. सो इस चीज को हमें रिमूव करने के लिए हमने एरे यूज किया. तो एरे में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली अगर हम इसमें एरे को अगर इसमें हमने डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, एरे फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इज इक्वल 30, हम ऐसे कुछ डिक्लेयर करवाएंगे. तो उसमें क्या है कि ये इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर मैंने जैसे आपको पहले बताया, इंटीजर एक हमारी डेटा टाइप है, ठीक है. एंड वेयर ए क्या है, ये हमारा एक नेम है वेरिएबल का. और 30 क्या है, ये जो 30 है ये है साइज, 30 है हमारा साइज. और ये हमारी एक ऐसी मेमोरी, ये हम मेमोरी में कैसे स्टोर हो जाएगा, अब एरे को स्टोर करवाने के लिए हमेशा हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट्स क्या रहता है, ए 0, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग टू ये प्री डिफाइंड रूल है हमारा कि हमेशा एरे स्टार्टिंग में 0 सेव करेगा. और यहां पे हम कोई भी अपना एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, 2 एंड अप टू जो लास्ट वाला बिट रहता है वो n-1 का रहता है. सो इसमें एक ये जो सपोज जैसे हमने पहले डेटा टाइप में इसमें एरे में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इंटीजर मतलब 1, 2, 3 या कोई भी और भी वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं, मतलब नॉट फ्लोटिंग, नॉट अ करेक्टर वैल्यू, ओनली इंटीजर वैल्यू. तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमने 2, ये हमेशा 2 बाइट्स यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें मेमोरी लोकेशन अगर ये हमारी 2002 है, तो नेक्स्ट वाली 2004 होगी, नेक्स्ट वाली 2006 होगी, क्योंकि ये
टू बाइट, एक एक जो एड्रेस है वो टू बाइट्स लेता है, नेक्स्ट वाला फिर नेक्स्ट टू, मतलब ये तो चलो इतने आप, ये तो आपका दूसरा अंडर कवर अंडर वाला प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है कि एरे स्टोर क्या करवाता है, जो हम जब हम बड़ा डाटा से डील करते हैं तो हम एरे को यूज करते हैं जिसमें हम इंटीजर डाटा टाइप लिए है, ए हमारा नेम है और 30 हमारा साइज है, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं और जितने मर्जी आप इसमें वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं और वो एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मीन्स एक के बाद एक वो सेव होते जाएंगे। सो अब इसमें एरे को हम कैसे क्लियरली एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि एरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डेटा टाइप जो हम इंटीजर देते हैं, फिर उसका नेम बताते हैं एंड देन साइज। सो एरे को डिक्लेयर करना ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, लास्ट में हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब डेटा टाइप में आ जाता है हमारा इंट, नेम हमारा डेटा टाइप हो गया इंट, नेम हो गया ए, साइज हो गया 10, कोई भी आप साइज दे सकते हो, वेयर और वेयर ए इज इक्वल टू जो हमारा साइज है, जो हम लास्ट एलिमेंट इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं ए एन माइनस वन से, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है, फर्स्ट एलिमेंट इससे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ए जीरो। सो एरे एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है सिमिलर डाटा डाटा आइटम्स को एक ग्रुप में। सो दिस इज एरे की एक मतलब ब्रीफली डेफिनेशन है, और लेटर ऑन हम एरे के प्रोग्राम्स भी यूज करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ ये ब्रीफली डिस्कस्ड है व्हाट इज एरे, व्हाट इज अ पॉइंटर, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, व्हाट इज अ फंक्शन। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे काम करता है। अगर जब हम कैरेक्टर में हम ए बी सी या डी, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन जब हम किसी के जब स्टार्टिंग में एक रूल बताया था आपको कि जब हम डेटा टाइप में अगर तो हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, देन हम परसेंटेज, अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम परसेंटेज सी यूज करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग हैव अ नंबर ऑफ करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर किसी का नेम है, सपोज सिमरन जी सिंह, सो दिस इज अ नंबर ऑफ करेक्टर्स हेयर एंड इन दिस डाटा टाइप इज कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको हम परसेंटेज एस से यूज करेंगे हमेशा। और स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें जैसे ए और हम इनमें 30 कर देंगे, सो नंबर ऑफ 30 कैरेक्टर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग में हम इट इज अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, मतलब कि ये एक डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है जो कि हमेशा कैसे टर्मिनेट कैसे किया जाता है, एक नल कैरेक्टर से, दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये है नल कैरेक्टर, हमेशा खत्म कैसे किया जाता है, ये वाला निशान ये वाला सिंबल यूज करके। नल करेक्टर को हम जब भी यूज करते हैं स्ट्रिंग में तो वो ऐसे हमारी कोई भी स्टेटमेंट है वो ऐसे उस टर्मिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी डेक्लरेशन हम कैसे करते हैं स्ट्रिंग की, डेक्लरेशन में हम करेक्टर मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ करेक्टर एंड हेयर वी हैव अ नेम एंड देन 10, सो व्हाट इज अ करेक्टर, करेक्टर इज अ डेटा टाइप, ये हमारे बच्चे सेंटेक्स हैं जो हम यूज करते हैं और ये हमें पेपर में राइट करने भी बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारा हो गया डेटा टाइप। नेम क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम, और दिस वन ये क्या चीज होती है, दिस वन इज अ सबस्क्रिप्ट एंड 10 इज अ साइज। सो इनिशियलाइजेशन हम स्ट्रिंग की कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं आप स्ट्रिंग को. अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डिक्लेरेशन में बताया कि हम करेक्टर नेम ले रहे हैं और उसमें हम फोर करेक्टर्स बता रहे हैं कि हमारे करेक्टर ये डेटा टाइप है और उसमें हमारे पास फोर करेक्टर हैं, तो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में उनको कुछ ऐसे करके डिफाइन करेंगे. अगर हमारे पास सिंगल करेक्टर्स हैं और लास्ट में हम उसको कैसे करेंगे, मतलब कि डिक्लेयर वो नल पे खत्म हो रहा है, हमें स्ट्रिंग को हमेशा नल करेक्टर से टर्मिनेट करना है. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस. हमने ए बी एंड सी और नल करेक्टर लगाया है. ये तो हो गया हमारा अगर हम सिंगल सिंगल करेक्टर को स्टोर करवा रहे हैं. एंड इफ वी कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ हम ऐसे भी स्ट्रिंग को एक तो ये पार्ट हो गया, एक तो ये मतलब फॉर्मूला हो गया स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाने का, और एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाने का ये फॉर्मूला है कि हम साइज मेंशन ही नहीं कर रहे यहाँ पे और हम आगे जाके इकट्ठे ए बी एंड सी लिख रहे हैं. सो इस केस में क्या होगा, लास्ट में हम सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज ये हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. अब इसमें हम क्या करते हैं कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, इसमें ऑटोमेटिकली नल वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी इन द रन टाइम. जब रन टाइम मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, तो जनरली वी आर यूजिंग द सेकेंड मेथड. दिस मेथड इज मोस्टली वी आर यूजिंग व्हेन वी आर हैविंग अ टर्म ऑफ अ स्ट्रिंग एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज अ पॉइंटर. सो स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रिंग इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज अ पॉइंटर. अब व्हाट इज अ पॉइंटर, पॉइंटर का क्या मतलब है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल. पॉइंटर क्या है, इट इज अ ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है विच होल्ड अ मेमोरी एड्रेस, विच होल्ड अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इन मेमोरी ऑफ अनदर वेरिएबल इन मेमोरी. अब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस के किसी और वेरिएबल को भी. अब अपना एड्रेस तो उसके पास होता ही होता है, लेकिन वो किसी और के वैल्यू को भी स्टोर करवाता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर. इट इफ वन वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, द फर्स्ट वेरिएबल इज सेट टू बी अ सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल टाइप, और दिस वन इज अ सिंबल ऑफ ए पॉइंटर एंड पी टी आर, दैट इज पी टी आर, लास्ट में सेमी कॉलन. अब पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन. अब देखो हमारे पास एक इंटीजर है एक्स नेम का, उसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर करवाई है. अब ये देखो हम एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे मेमोरी का. अब ये है हो गया हमारा मेमोरी का ब्लॉक, दिस वन इज अ मेमोरी ब्लॉक. और व्हाट वी हैव इन अ मेमोरी ब्लॉक, इसमें हम एक कंटेंट सेव किया है 5 नेम का, ठीक है, और उसका नेम क्या है एक्स. नेम क्या है एक्स. सो नेम ऑफ द मेमोरी ब्लॉक एक्स इज अ नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक वेयर 5 क्या है, 5 इज अ कंटेंट इन अ मेमोरी ब्लॉक. और इसमें हमने एक एड्रेस स्टोर करवा लिया है इस मेमोरी ब्लॉक में, दैट इज 2052, कोई भी नाम दे सकते हैं हम उसका. तो दिस वन इज अ एड्रेस. अब ये चीजें थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम. फॉर एग्जांपल जैसे अब पॉइंटर की डेफिनेशन में हम जा रहे हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल. अब इसमें क्या है कि इसने इसका एड्रेस भी होल्ड किया हुआ है,
इसका एड्रेस 2052 है, मेमोरी ब्लॉक में ये हमारा क्या है कंटेंट है, जिसने कि इसका एड्रेस, अगर फॉर एग्जांपल कि हम इस ये इसका एड्रेस है 5 का, ये इस ब्लॉक का ये एड्रेस है, और हम इस एड्रेस के थ्रू इसको भी इस वैल्यू को एक्सेस करवा सकते हैं। सो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉइंटर। अब हम एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को भी एक्सेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सिंटैक्स ऑफ द पॉइंटर। अब सिंटैक्स क्या है पॉइंटर का? सिंटैक्स ऑफ द पॉइंटर इज दैट डेटा टाइम, अब डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, वो हमारा करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कोई भी, पॉइंटर का साइन एंड पॉइंटर का नेम सेमीकोलन। अब इंटीजर पी, इंटीजर बी इज इक्वल टू 100। अब ये तो हमारा हो गया डेक्लरेशन, इंटीजर, पॉइंटर का साइन लगाया, पी इज अ पॉइंटर एंड सेमी कॉलन। अब सेकंड में हमने क्या किया है, इंटीजर अगर हमारे पास है 100, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल टू बी सेमी कॉलन, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, मतलब कि पी के पास बी का एड्रेस है, तो एड्रेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। सो दिस इज वन इज एड्रेस ऑफ पी, मतलब पी के पास बी का भी एड्रेस है, सो विद द हेल्प ऑफ बी वैल्यू वी कैन ऑल्सो एक्सेस द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर पी। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन कॉम्पोनेंट। अब फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन वैसे है क्या, इट इज अ नेम पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज ऑफन नीडेड। फंक्शन मतलब कि व्हेन वी आर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क इट्स कॉल्ड द फंक्शन, इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट हैव अ फंक्शन हैव अ रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इज अ रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स, यहां पे फंक्शन बॉडी, स्टेटमेंट विच वी आर राइट हेयर एंड देन द सेमी कॉलन। अब जो भी रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, रिटर्न टाइप मीन्स एनी फंडामेंटल डेटा टाइप, कोई भी जो फंडा कोई भी डेटा टाइप होगी वो जो भी इस फंक्शन में हम जिस डेटा टाइप को रन करेंगे वही यहां पे हमें रिटर्न टाइप मिलेगी। सपोज इन द फंक्शन बॉडी वी आर गोइंग टू यूज द इंटीजर वैल्यू, देन देयर रिटर्न डेटा टाइप will be as in the form of integer. If in this function body we are going to use the character value, then the return data type function we have get. Or कोई भी हम जो भी return data type function, return data type का ये मतलब है कि जो भी हम function body में कोई भी data type को, जो भी type of data, either in a character, either in an integer, either in a float, और अगर कोई भी value नहीं होगी, अगर अब द नल वैल्यू देन इट विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉइड। अगर नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा देन वो हमें वॉइड डेटा टाइप प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मीन्स इट हैज आइडेंटिफायर, फंक्शन का यहां पे नेम लिखा जाता है, व्हाट द एक्चुअली फंक्शन नेम इज,
और नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंट. आर्गुमेंट मीन्स दैट व्हाट द पैरामीटर वी हैव. इफ वी टेक एनी टू वैल्यू देन इट शुड पास द टू आर्गुमेंट्स. अगर हमारे पास दो वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे देन आर्गुमेंट्स भी हमारे पास दो ही होंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द डिटेल फंक्शनिंग ऑफ अ फंक्शन कॉम्पोनेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.